हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं शेरली सैंडबर्ग की सफलता की कहानी, प्रेरणादायक महिला उद्यमी। जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। हम कार्यस्थलों में लैंगिक भेदभाव को लगभग समाप्त करने के कगार पर हैं। अब महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और काफ़ी संख्या में महिलाएं प्रतिष्ठित नेतृत्व पदों पर पहुंच रही हैं और कंपनियों का प्रबंधन अपने पुरुष समकक्षों की तरह ही कुशलता से कर रही हैं। आज महिलाएं कंपनियों के महत्वपूर्ण निर्णयों की वकालत भी कर रही हैं, जिससे वे आज के संगठनों का चेहरा बन रही हैं। मेटा यानी कि पूर्व में फेसबुक की भी अपनी आयरन लेडी थी, जिसे शेरली सैंडबर्ग के नाम से जाना जाता है। मार्क जुकरबर्ग के बाद फेसबुक का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित चेहरा शेरली सैंडबर्ग का था, जो 2008 में फेसबुक में शामिल होने के बाद मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत था। इन सभी वर्षों के दौरान सैंडबर्ग फेसबुक का प्राय बन गया, जैसा कि कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। कंपनी के सीईओ के रूप में 14 वर्षों तक सेवा देने के बाद सैंडबर्ग ने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसकी घोषणा उन्होंने 1 जून 2022 को अपने फेसबुक पेज पर की। शेरिल सैंडबर्ग को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा लगातार कई अवसरों पर विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है और उनके कई अन्य सम्मानों और परोपकारी पहलों के साथ साथ मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाली कंपनी का नेतृत्व करने के तरीके के कारण शेरिल सैंडबर्ग न केवल एक प्रेरणादायक महिला उद्यमी हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर सभी के लिए स्टार्टअप और व्यवसायों की दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। इसके बाद शेरिल सैंडबर्ग का करियर MBA पूरा करने के बाद नए सिरे से शुरू हुआ। सैंडबर्ग सबसे पहले मैकेंसे एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर शामिल हुई। इस पद पर उन्होंने एक साल तक काम किया। मैकेंसे छोड़ने के बाद सैंडबर्ग ने फिर से लॉरेंस समर्स के अधीन काम किया, जो उस समय राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के अधीन काम करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी सचिव थे। उस समय ट्रेजरी SCI वित्तीय संकट के दौरान विकासशील देशों में ऋण माफ करने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा था, जिसमें उन्होंने सहायता की। ट्रेजरी के लिए 5 साल के काम के बाद सैंडबर्ग 2001 में गूगल में शामिल हो गई। खोज इंजन दिग्गज की स्थापना के 3 साल बाद और वैश्विक बिक्री और संचालन के उपाध्यक्ष के पद तक पहुँच गई। इसके अलावा वे गूगल की परोपकारी शाखा google.org से भी जुड़ गई। गूगल में सैंडबर्ग गूगल के विज्ञापन और प्रकाशन उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने गूगल के उपभोक्ता उत्पादों और गूगल बुक सर्च के बिक्री संचालन को भी संभाला। चूंकि सैंडबर्ग अपने करियर के शुरुआती दौर में ही गूगल से जुड़ गई थी, जब सर्च इंजन दिग्गज गूगल की मौजूदा स्थिति से काफ़ी दूर था, इसलिए गूगल में उनकी भूमिका अहम थी। गूगल में सैंडबर्ग ने सर्च इंजन के विज्ञापन और बिक्री टीम को 4 से 4,000 तक बढ़ाने में मदद की। शेरिल सैंडबर्ग की मुलाकात 2007 के आखिर में मार्क जुकरबर्ग से हुई। डैन रोसेंसविक द्वारा आयोजित क्रिसमस पार्टी में शेरिल की मुलाकात फेसबुक के युवा संस्थापक मार्क से हुई। हालांकि जुकरबर्ग के दिमाग में CEO का पद नहीं था और ना ही उन्होंने इसकी तलाश की थी, फिर भी शेरिल को इस भूमिका के लिए एकदम उपयुक्त माना गया। यही कारण है कि सैंडबर्ग को 2008 में फेसबुक द्वारा COO का पद ऑफर किया गया था।